हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा, आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम और यूपी पीसीएल रिज एग्ज़ाम के लिए। यूपी ट्रिपल एससी आपका जो व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, और यूपी पीसीएल में आपका जो है एआरओ हो गया, असिस्टेंट हो गया और स्टेनोग्राफर हो गया। इसके अलावा आपका जो है यूपी पीसीएल TGT एग्ज़ाम हो गया। सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर और कमेंट करना, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको मिलेगा इसका PDF। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैलेंट पर। दोस्तों, इसके अलावा मैं अनकेडमी पर एक एजुकेटर भी हूं, तो मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और आपको डाउनलोड करना है अनकेडमी का लर्निंग ऐप। उसके बाद में उस ऐप को आप इंस्टॉल करेंगे और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, आरओआर, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे आदि सभी एग्जामों के लिए आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कोर्स में लगातार वहां पर आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज अभी आप डाउनलोड करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाए गए सभी कोर्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है पहला, किस क्रम में सही मेल नहीं है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, इनमें से कोई एक आपको बताना है, यानी कि जिसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये इसका है राइट आंसर। यहाँ पर सही मेल नहीं है। गृह घर, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर जो आपका ग्रह दशा है ये आपका सही मेल नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ग्रह जो है ये प्रयोग होता है किसके लिए, जो आपके आकाशीय पिंड ग्रह होते हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है, और अगर ग्रह दशा की बात एक साथ की जाए तो इसका मतलब होता है कि ग्रहों की स्थिति। तो यहाँ पर आपका जो पहला वाला है ये इसका राइट आंसर, जहाँ पर ये वाला आपका जो ये सही मेल यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे किस क्रम में यहाँ पर सही मेल है। तो चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर इसका, यानी कि इसका जो है तीसरा वाला तुरंग घोड़ा ये भी सही है और तरंग लहर ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा वाला क्या है, ये आपका सही मेल होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया अगला, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, या, रा, वा और हा। तो यहाँ पर आपके जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। तो यहाँ पर आपका क्या नहीं होता, यानी कि हा यहाँ पर नहीं होता है। ये दोस्तों आपका होता है ऊष्म व्यंजन, इसे बोलते हैं। ठीक है, हा को आगे बात करेंगे किस क्रम में स्पर्श संघर्ष व्यंजन है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला छा, यह आपका है क्या, स्पर्श संघर्ष व्यंजन इसको बोलते हैं। आगे बात करेंगे किस क्रम में पार्श्वयक व्यंजन है। तो इसके चार ऑप्शन टा, ठा, ला और चा। तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि ला। ये आपके चार होते हैं, पहला यहाँ पर आपका या होता है, रा होता है, ला होता है और वा होता है। ठीक है, तो इसके चार ये होते हैं और यहाँ पर आपका तीसरा है इसका राइट आंसर। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। चार ऑप्शन चा, घा, सा और या। तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका घा हो जाएगा। ठीक है, चवण में क्या होता है आपका, सा होता है, तीनों आपकी जो सा होते वो होते हैं, रा और ला होता है। ठीक है, और इनका उच्चारण आपका तालव्य से होता है और घा का वर्ग के अंतर्गत आता है, जिसका उच्चारण आपका कंठ से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर तालव्य व्यंजन नहीं है वो आपका हो जाएगा घा, क्योंकि ये आपका आता है का वर्ग में आता है और इसका उच्चारण जो आपका कंठ से होता है। तो यहाँ पर बी वाला है राइट आंसर। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है। चार ऑप्शन केला, छीन, घटिका, घीन। तो यहाँ पर आपका जो घटिका है ये तद्भव शब्द नहीं होता है। ठीक है, घटिका संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में क्या होता है, घड़ा या सुराही होता है। और घटिका का जो तद्भव रूप, ये घटिका जो है ये आपका तद्भव रूप नहीं है, ये आपका है क्या, तत्सम रूप, इसे बोलते हैं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है तीसरा वाला हो जाएगा राइट आंसर। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, यानी कि भद्र दोस्तों संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है भला या सज्जन। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे चकल्ला शब्द किस रूप में है। तत्सम है, तद्भव है, देशज या विदेशी, ये क्या है। तो इसे दोस्तों बोल देंगे क्या, देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, चकल्ला से एक देशी शब्द है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया अगला, किस क्रम में तदशम रूप नहीं है। चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका जो सही है ऑप्शन नंबर तीसरा रीच है। आगे बात करेंगे तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होता है। समीपता, आत्मीयता, अपमान या संबंध बताने।
तो संबंध बताने में यहाँ पर इसका यूज नहीं होता है, तू शब्द का। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया है अगला, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है में कौन सा सर्वनाम है? पहला निजवाचक है, संबंध कारक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है यानी कि अपना नंबर तीसरा निश्चयवाचक। तो जब भी वह, यह, ये, वे अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पर आपका रहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किन किन का नाम सूची में है में प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किसमें है? किन किन में है, सूची में है, काम है या नाम है? तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ये किन किन। आगे बात करेंगे, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में किस शब्द में विशेषण है? चार ऑप्शन, व्यक्ति, सम्मान, ईमानदार या होता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आपको हो जाएगा ईमानदार। ठीक है दोस्तों, ईमानदार व्यक्ति का सम्मान होता है में ईमानदार क्या है आपका, ये विशेषण शब्द है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो सिंपल हमने आपको ये बताया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं विशेषण बोलते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, काला घोड़ा, ठीक है, चालाक तोता। तो काला यहाँ पर क्या है और चालाक क्या है, काला तथा चालाक क्या है, क्रमशः घोड़े और तोते की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। ठीक है तो यहाँ पर ये क्या है आपका, विशेषण हो जाएगा। आगे बात करेंगे, बिहारी ने सतसाई लिखी में सतसाई शब्द में कौन सा विशेषण है? समुच्च बोधक, समुदाय, परिमाण या क्रम? यानी कि ऑप्शन नंबर पहला समुच्च बोधक। दोस्तों बिहारी ने सतसाई लिखी सतसाई शब्द में समुच्च बोधक विशेषण है, वह शब्द जो किसी समुच्च का बोध कराए, वहां पर आपको रहता है समुच्च बोधक विशेषण। किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है? चार इसके आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि तीसरा, मोहन ने 2 किलो दूध पी गया, यानी मोहन 2 किलो दूध पी गया, इसमें क्या है आपका परिमाण बोधक विशेषण है। और ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से बताई हैं, आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अनकेडमी पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? चार इसके आपके ऑप्शन है, नीली है जो गाय, नील गाय, बैलों से खींचे जाने वाले गाड़ी, बैलगाड़ी, क्रोधी या क्रोध रूपी अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, और डी यानी कि चौथा नंबर क्या है, नौ है जिसमें विधियां। यही आपका यहाँ पर गलत है, इसका सही समास विग्रह यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर अगला है, किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं और इनमें से कौन सा आपका राइट, यानी कि अश्वारोही इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका बी वाला है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, किस क्रम में सुमेल नहीं है? चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तो इसका जो पहला वाला है कनफटा द्वंद्व समास, ये इसका राइट आंसर। यहाँ पर आपका रहेगा कर्मधारय समास, यानी कि फटा है, कान है जिसका। आगे बात करेंगे, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्ण, संप्रदान या अपादान? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है क्या है, संप्रदान कारक। दोस्तों वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में क्या रहेगा, यहाँ पर आपका संप्रदान कारक रहेगा, और संप्रदान कारक वहाँ होता है जहाँ पर किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। ठीक है तो के हित, के हेतु, के लिए, के वास्ते, जब ऐसा आपको लगेगा तो वहाँ पर आपका रहेगा अब संप्रदान कारक। आगे बात करेंगे, अपादान कारक के संबंध में कौन सा उदाहरण नहीं है? चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कोई एक आपका क्या है राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो सब प्राणी आँखों से देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है, यहाँ पर व्यक्ति में अलगाव का बोध नहीं होता है, तो इसमें आपका जो है अपादान कारक नहीं रहेगा। अपादान कारक में क्या होता है कि अलगाव का बोध होता है। ठीक है तो मैं जयपुर से चला आ रहा हूँ, इसमें भी अलगाव का बोध है। सूर्य पृथ्वी से दूर है, राजीव छत से कूद पड़ा है, तो तीनों में यहाँ पर बोध हो रहा है अलगाव का। लेकिन आपको जो डी वाला है, सब प्राणी आँखों से देखते हैं, इसमें जो है दोस्तों इसमें कहीं पर भी अलगाव का बोध नहीं होता है, तो यहाँ पर डी वाले में आपका जो है अपादान कारक नहीं होगा। आगे बात करेंगे, कौन सा क्रम यहाँ पर सही नहीं है? तो चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन देगी, यानी कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो जब पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पर अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर आपका रहेगा अपादान कारक, लेकिन यहाँ पर लिखा है करण कारक, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरा यानी कि अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पर आपका रहेगा अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला है, किस क्रिया में अक्रमक क्रिया नहीं है? तो अक्रमक क्रिया किसमें नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यानी कि यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का क्या होगा वो आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करेंगे, कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है? अक्रमक है, भविष्यतकालीन क्रिया है, पूर्ण द्विक्रमक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है?
तो यहाँ पर आपका रहेगा क्या दोस्तों, पूर्ण द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर आपका रहेगा, ठीक है। कमला ने शांति को पुस्तक दी, यानी कि पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्रिया क्या है, देना के साथ दो कर्म है, पहला शांति, दूसरा यहाँ पर आपका क्या है, पुस्तक, दोनों यहाँ पर आपके क्या है, ये कर्म है, तो यहाँ पर क्या है आपका, द्विकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला, किस क्रम में आ उपसर्ग नहीं है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहला वाला अनन्य, इसमें आपका आ उपसर्ग नहीं रहेगा। आगे बात करेंगे, अन उपसर्ग किसका यहाँ पर है, ठीक है, तो इसके चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और इनमें से कोई एक आपका यहाँ पर राइट है, यानी कि अभाव या निषेध है, ये इसका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा यहाँ पर जो है आपका प्रत्यय नहीं है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर इसके क्या हैं, और इनमें से एकांतर आपका हो गया, ठीक है, न्यायिक हो गया, फिरौती हो गया, और मधुरिमा हो गया, तो इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिरौती इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला दिया गया है, किस क्रम में क्रिया बोधक कृत्य प्रत्यय है, चलता हुआ, कुम्हार, कथनी या मध्यांतर, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला चलता हुआ इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, कोई एक यहाँ पर आपको बताना है इसका, जो कि राइट आंसर यहाँ पर होगा, शब्द प्लस इतर, शब्देतर, अनु प्लस दित, अनुदित, रजनी प्लस ईस, रजनीस, अहम प्लस कार, अहंकार, तो यहाँ पर कौन सा आपका है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर दूसरा अनुदित, ये गलत है, यहाँ पर इसको लिखते हैं अन लिखते हैं, और उसके बाद में लिखते हैं प्लस उदित लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे अन प्लस उदित, तो ये यहाँ पर आपका है राइट आंसर, ये क्या है, गलत है आपका। आगे बात करेंगे, व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम का है यहाँ पर, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, और इनमें से कौन सा पार्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा सम प्लस गठन, यानी कि संगठन इसका हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, किस क्रम में संधि का प्रयोग गलत हुआ है, तो चार इसके ऑप्शन आपके दिए गए हैं, यानी कि इसका जो पहला वाला है ये इसका है राइट आंसर, यहाँ पर आपका गलत प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको होना चाहिए आ, ठीक है, विसर्ग प्लस यहाँ पर आपको होना चाहिए था चर्रे, ठीक है, तो ये आपको बनता आश्चर्य बनता, तो पहला वाला यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, डंका बजाना मुहावरे का सही प्रयोग क्रम किस क्रम में यहाँ पर आपका हुआ है, तो चार ऑप्शन यहाँ पर आपका, यानी कि डंका बजाना यानी कि प्रतिष्ठित हो जाना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला है, किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है, चार इसके यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला हो जाएगा राइट आंसर। आगे बात करेंगे, यह कहा तब मैं आया में किस तरह की अशुद्धि है, चार ऑप्शन कर्ता कारक यहाँ पर आपका संबंधी अशुद्धि, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह का प्रयोग किया गया है, जो क्योंकि इसका प्रयोग जो है निर्जीव के संबंध में होता है, और यहाँ पर जो भाव है वो सजीव के संबंध में है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है, तो पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ पर आपका चौथा वाला है राइट आंसर, यानी कि यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, इसमें यहाँ पर आपका क्या है अशुद्ध वाक्य, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, तो ये इसका है राइट आंसर। आगे बात करेंगे, अर्जुन का यहाँ पर आपका पर्यायवाची क्या होगा, चार ऑप्शन यहाँ पर आपके दिए गए हैं, ठीक है, धनंजय, सूर्यपति, पुरंदर या शक्र, तो दोस्तों अर्जुन का भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, और पेपर में इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला धनंजय, ठीक है, धनंजय इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन यहाँ पर आपका अगला है, ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है विलोम शब्द इसका, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरे में, जो कि हमने आपको बताए हैं यूपी ट्रिपल एस एग्जाम और यूपी पीएससी लिटरी एग्जाम के लिए, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। वीडियो अगर आपको ये मेरा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है, और इसके अलावा चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर आपको मिलेगा PDF, और अनअकेडमी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप हिंदी के सारे कोर्स और अन्य सब्जेक्ट के सारे कोर्स देख सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर।